अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज सैफ साजिद एंड वेलकम टू YouTube चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो होपफुली गाइस आप सब ठीक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे हमारे व्लॉग्स को हमारे साथ। तो आपको बताऊंगा भाई साहब, आज बहुत बड़ा जो है ना काम ख़राब हो चुका है। क्या काम ख़राब हुआ है वो इन्हीं से पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी सारी जो लेजेंड्स आ चुके हैं और आज भाई मैंने पेपर बात ये थी कि वो आप कह रहे थे ना काम ख़राब हो चुका है, वो इतना ज़्यादा काम वो ख़राब नहीं हुआ। हमारे जो बड़े भाई हैं ना जिन्हों से बड़े पाइन के अरसलान, आपने व्लॉग में पहले व्लॉग में देखा होगा, उनको दिखाया होगा, वो ना थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो गए हैं और उस नाराज़गी की वजह भी नहीं बता सकते। बस ठीक है जो भी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उसे मना लेंगे क्योंकि हमें सैटरडे वाले दिन प्लान किया हुआ है। सहेब भाई, सामा, मैं, हाफिज़ और अरसलान। ये मेरी बात सुनो, तुम वजह बताओ ना बताओ, लेकिन हाफिज तो जरूर बताएगा। क्यों भाई आप नहीं बताओगे? ये हमारा आपस का मैटर मसला है। नहीं मैटर यार, ये बहुत बड़ा मैटर बन गया है। ऐसे तो सारा प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा यार। बातें हम बता ही नहीं गए। नहीं नहीं बताओ यार, क्यों ऐसा क्यों है? तुम्हें पता इश्क मशूकी चलती है, इश्क मशूकी का चक्कर है। तो बस यही वजह है ना। तो भाई शमा भाई, पेपर की तैयारी कैसी है भाई? इतना सारा पढ़ के आया, चैप्टर क्या आर्टिकल था, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, क्या कहना चाहते भाई? एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा भाई, अभी पढ़ेंगे गाइस। वही बात तो ही ना, हम पढ़ेंगे अभी, सामा पढ़ाएगा और हम देखो यार मुझे समझ यार पढ़ा दे यार, आज तो पेपर मेरा एवं सिर खांदी नकल फिर मार के लिखना नहीं मारी नकल, मैं तेन पता स्टोरी बना दे। मैं आपको बताऊं तो गाइस, जो पेपर होता है ना वो 12:30 इस वजह से करवाया क्योंकि ये शक्लें पढ़ के नहीं आती, तो यहां पे आके इन्होंने पढ़ना होता है। मैं कहता हूं चलो इनको टाइम मिल जाए थोड़ा सा पढ़ पूड़ ले, हो गया एडिट। आज वो अपलोड करूंगा व्लॉग, क्योंकि भाई कल के व्लॉग में ना तू यार बड़ा खुश था यार, बहुत खुश था। आज के व्लॉग में भी हम खुश होने जा रहे हैं। आज भी खुश हो खुश हो रहे हैं। अच्छा सो गाइस, आज फिर मुझे पुराने दोस्त मिले, पिछले आपने व्लॉग में देखा हुआ था, एडवोकेट थे ना ये भाई एडवोकेट साहब, और साथ में इनकी टीम है। तो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कैसे पेपर हो रहे हैं? ठीक ठाक हो रहे हैं, आप सुनाएं। जबरदस्त आज भाई, आपका व्लॉग देखा आज भाई, अच्छा जी थैंक यू यार, आपकी मोहब्बत है ये तो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। और आज बड़े माशाल्लाह डैशिंग बन के आए हैं भाई, खैर नहीं लगती मुझे। पेपर हो रहे हैं ना भाई? पेपर हो रहे हैं, पेपर में तैयार हो गया आप? और उसके लिए तो स्पेशल तैयार होना पड़ता है। अच्छा और सुनाओ सब खैरियत? ये भाई बड़े उदास बैठे हैं, ये बहुत उदास बैठे। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ, उदास हैं ये भाई। आर यू ओके? पक्की बात है। 10,000 में जो 14,000 इसने सेंड किया था, अब फाइनल के पेपर तक इंतजार करें, अब मेरे पास जब आएंगे और इसकी फी पे होगी। अच्छा दोबारा बताना, ये दोबारा बताना यार क्या था इसका? बात ये थी कि इसने ना मुझे 8,000 कैश दिया था, 14,000 अकाउंट में दिए थे, टोटल हो गए 22,000, 4,000 अभी बाकी थे, वो भी आएंगे, लेकिन वो जब तक आएंगे वो जो 22 है वो जा चुके होंगे। नहीं यार बंदे की कैलकुलेशन तो है यार, और यार आप जिंदगी तो आप जी रहे हो यार, मजे में। चलो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि भाई हम हो चुके हैं मेंटली डिस्टर्ब, इस वजह से हमने कहा जी डोम जाके चाय पीनी है, तो हमारे काम चेक करें भी चाय पीने के लिए डोम जा रहे हैं। उधर ज्यादा सी तो क्यों वसीम भाई इधर आओ ना यार, बताओ वसीम भाई इधर आओ, बताओ के भाई बात इसके पीछे क्या लॉजिक है इतनी दूर जाके हमने चाय? बात ये बात और कोई नहीं, हमने पूरे 4 साल बायोटेक्नोलॉजी की है, और बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि साइंटिस्ट स्टडी है, हम वैसे भी साइंटिस्ट हैं, और साइंटिस्ट के वो मशहूर है कि पागल होते हैं, हम वो ही पागलपन दिखा रहे हैं कि इतनी दूर जाकर चाय पी रहे हैं बस। चाय, सिर्फ चाय पीने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। पता है पहले हमारा पेपर 12 बजे होता था, आज हमने आधा घंटा और लेट करवा दिया हमारे चाचा की वजह से, ऐसा होगा तो 12:30 बजे हमारा पेपर होगा, और इसी वजह से हमने कहा चलो जी पहले चाय शाय पी लेते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे, रिफ्रेश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। तो अगर तैयारी वैसे करेंगे तो भाई साहब आपको वो कमाल ही होते हैं भाई। आपको एक बात बताऊं, हमने क्योंकि पढ़ना होता है आधा घंटा ऐसे ही, तो इसलिए चाय पीना, कड़क चाय पीना लाजमी होता है, इसी वजह से ही हम जा रहे हैं इतनी दूर, और वहां से चल के पीते हैं चाय। लो जी हमारी जो मस्ती में जो है ना वो
मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई जा रही है आपको आज दिखाई देते हैं। ये चेक करें ज़रा, नई नई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो ये भाई जो है वो तैयार कर रहे हैं, आप वीडियो बनवा लो। ये क्या तैयार कर रहे हैं आप भाई? ये स्पेशल है भाई। हाँ जी, लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए हैं स्पेशल, क्योंकि हमने पहले वीडियोज में देखा ये लाहौर में चलता है ज़्यादा। तो मतलब क्या इसमें आपने ये खुद ही ईजाद किया है? जी। अच्छा, आपकी अपनी रेसिपी है ये? जी, हम 3 साल हो गए लाहौर लाते थे, अभी इधर। हाँ, हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं वहाँ पे ना। तो भाई सही हो गया ये। क्या इसमें क्या क्या आप ऐड करते हैं इसमें? बेसन, मैदा, मकई का आटा। तो मतलब ये फ्राइज कर लेते हैं, सिरप बना के सूपर लगता है। सही हो गया। हाँ जी, गर्ल्स की। अच्छा, तो इसकी आप प्राइस भी बता दें, प्राइस क्या है? प्राइस इसकी बहुत कम, इधर लगाई है, उधर तो हम 200 का देते थे, इधर 100 लगाई हुई है। अच्छा, तो गाइज ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओखाड़ा में, पहले नहीं मैंने इस इलाके में देखा। तो ये अपनी रेसिपी है इनकी और यहाँ पे लेके आए हैं। तो भाई आप भी विज़िट करें लटरोवा कैफ़े में और इन्जॉय करें। सो गाइज़, जैसा कि आपको दिखाया है कि हमने यहाँ पे एक नई रेसिपी लॉन्च कर दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ओखाड़ा में। तो ये हमारे भाई ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ। तो अभी इनसे पूछते हैं भाई कैसा टेस्ट है, इनके साथ हम भी ट्राई करते हैं। और ये देखें जी, लटरोवा कैफ़े यूनिवर्सिटी ऑफ ओखाड़ा, और यहाँ पे आप जो है वो आके विज़िट कर सकते हैं। लटरोवा कैफ़े तो हर एक को पता है लटरोवा कैफ़े का, और यहाँ पे सब लोग आते हैं ज़्यादा, मोस्टली यहाँ पे ही आते हैं, खाते पीते हैं। तो भाई ये चीज़ भी आके ट्राई करें। तो पहले लाहौर में ही होती थी ये? हाँ जी, अब ये रनालागुट में। हाँ, लगा जी, अब ये इधर भी आ गया। लाहौर में था पहले। हाँ, अब ये रनाला में आ गया। पहले ट्राई किया आपने कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। चले भाई, सब हमारी चाय आ चुकी है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम पहली बार आई है? हाँ, आई है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ना। अच्छा, तू बंदा, तू व्लॉग बंदा ही बनाया अभी शहर में? वो पूरा तरीका आ गया उसने कहा है मुझे यार, तरीका पूरा हो गया। हाँ, उसने मुझे कहा है कि भाई आपके लिए मील मैं बनाता हूँ, ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा चले आप बनाएं। नहीं लगता, पेपर तो पहले ही खत्म करेगा। तो भाई चाय पीते हैं और ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ की चाय, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टाइम यहाँ की चाय ट्राई की है और अच्छी थी यार, है ना? बहुत मज़ा आया यहाँ पे चाय पीने का। तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस, जाके हमने देना है पेपर, और पेपर की तैयारी भी हमने अभी तक कोई नहीं की। इतना लंबा चैप्टर था, और चैप्टर में से अब यार वो सब्जेक्ट का नाम क्या है? वो तो बताओ। सब्जेक्ट का नाम है जी टिश्यू एंड सेल कल्चर। अच्छा, अभी देख लो, सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आता, पेपर लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लेजेंड हमारी क्लास में ऐसे हैं, वो पेपर स्टार्ट होता है तो पूछते हैं यार वो हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या है, और किसी को तो डेट का ही नहीं पता होता। भाई सब अब चलते हैं, कुछ पढ़ पुढ़ लेते हैं, नहीं तो भाई हमारे लग जाएंगे। यार ये देखे, बहुत बड़ी गैंग जो आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ओखाड़ा। गैंग की, चलो चाय पी के पहले वो तो बताओ। वो बता दिया भाई, कैसा लगा आपको, कैसी लगी चाय? चाय अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। चाय अच्छी थी, चाय इज टी इज फैंटास्टिक भाई साहब, और कुछ नहीं कह सकते। तो ये देखें जी, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है बहुत बड़ी गैंग जा रही है, सारे एक ही बरादरी के लग रहे हैं, मैं हूँ ब्रदर ही लग रहे हैं। तो बड़ा खुश लग रहे हैं यार। तो भाई ये भाई बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है लोग पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, एक्स्ट्रा लिखे हैं, बड़ा अच्छा पेपर है वाकई, बड़ा यार। वहाँ से देखने लगे आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं यार, जो पेपर में आया वो नहीं लिखा, बाकी सब नहीं आया वो लिखा है यार। भाई ये मसला है कि जो मैं पेपर याद करता हूँ ना वो आता नहीं है, और जो मैं नहीं याद वो डेफिनेटली आ जाता है। पेपर ये क्या सीन आपका, तो सिंगम सिंगम हो फिर आप? नहीं नहीं, सिंगम नहीं। अच्छा यार, दूसरी बात ये, सारी आपकी क्लास है ये? हाँ, ये इधर भी भाई आ रहे हैं सारे, सी आर बाबा जी, सी आर बाबा जी। तो भाई साहब, बात ये है कि हमने आपकी क्लास को इकट्ठा देखा है, तो बड़ा खुशी हुई, क्योंकि हमारी क्लास कभी इकट्ठी हुई नहीं यार, और लड़ाई होती रहती है। इधर आओ, कहाँ गया? मैं आप बहनों वाला ये यूनिवर्सल ब्रदर है, बहनों वाला ये हमारा यूनिवर्सल ब्रदर है, तो इसकी जो है ना लड़ाई होती रहती है, तो हमारी क्लास इकट्ठी नहीं होती यार। कोई वो आइडिया बताएं कि क्लास को कैसे इकट्ठा किया जाता है आप लोगों, मतलब क्या चीज़ यार? क्लास को क्या, जो आपको बिरयानी खिलाए तो सभी आएंगे? नहीं नहीं, वो हमारी क्लास इकट्ठी है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा अच्छा, हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हमारा लास्ट है भाई साहब। तो भाई ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे ब्रदर हैं, बहुत अच्छा लगा इनके साथ आज। तो अभी चलते हैं, पेपर हो गए हैं, लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, तो जो याद करके आए थे वो सब कुछ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर थोड़ा पा देना, आउट ऑफ सिलेबस। तो अभी भाई तो गाइस ये देखें जी, डिपार्टमेंट का फोटो शूट हो रहा है, हमारे यूनिवर्सल फोटोग्राफर यूनिवर्सिटी के, जो कि सबकी फ़ोटोज़ बनाते रहते हैं। तो
अब फोटो बन गई है, प्रोग्राम खत्म हो गया, ऑफिस प्रोग्राम तो बढ़ गया। मिलवाते हैं जी हमारे सीनियर जो कि यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं, वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हाथ पे क्या हुआ है? बस यार छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया। ओहो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो बताएं जी क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? बिल्कुल फ्री, अभी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। एक तो हमें लैपटॉप दे दें। अच्छा, क्योंकि वो कब्जा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं जाता हूं सीधी सी बात है। दूसरा ये है कि ट्रांसक्रिप्ट दे दें हमें। अच्छा, बाकी बस दुआएं आपकी। और कोई मतलब आगे एम फिल नहीं स्टार्ट? नहीं, एम फिल अभी नहीं स्टार्ट किया। तो राणा साहब जी रहे हैं भाई अपनी फैमिली के साथ, घूम रहे हैं। फैमिली मेरी कितनी अच्छी फैमिली है। और बाबा जी सुनाए कैसा पेपर हुआ? जी पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मस्त हुआ, दो पेपर थे आज। अच्छा, तैयारी से आया था, सारी रात सोया नहीं हूँ। नीचे देखो आपके ब्लैक सर्कल्स आ गए। अच्छा, आपका दूसरा पेपर कैसा हुआ, वो डॉक्टर अर्शद वाला? वो तो भाई बहुत ही बम हुआ, वो पढ़ के किया। वो राणा साहब कह रहे थे मेरे 28 नंबर आएंगे, 28 मार्क्स आएंगे। आपको मैं बताऊंगा कि मेरे 28 मार्क्स आए। ये आपकी प्रोटोकॉल में ये देखे, पुलिस की गाड़ियां हमने मंगवा ली यूनिवर्सिटी में, तो क्योंकि मुर्शिद पार्क ने जाना था, तो हमने कहा इस रास्ते से गुजरना है, आपने तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। सोहेब भाई, वेरी थैंकफुल टू यू, अल्लाह पाक आपको और इससे नवाजे। अच्छा, और शाने बख्शे, ये गाड़ियां कुछ भी नहीं होती। अच्छा, अच्छा तो मतलब ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं होना चाहिए भाई। आपकी हम आपकी कोई भी सिक्योरिटी में रिस्क नहीं ना ले सकते इस वजह से। नहीं, जिसका अल्लाह पाक मुआफ़िज़ हो उसको फिर क्या सिक्योरिटी, उसको बंदूक की क्या जरूरत, बंदों की क्या जरूरत। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि लड़कियां ऐसे किनारे पे बैठती हैं, आज हमारे राणा साहब बैठे हुए हैं। ये देखिए क्या पोल मारा हुआ है, क्या बात है, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, कोई गल नहीं यार, इतने कई ब्रेकअप हुए, कई ब्रेक में बाहर हो गए हैं। ठीक है, कई ब्रेक कई ब्रेकां नहीं लगियां, गड्डी बिच बैठी ब्रेकां लगी भाई, तो बहुत सैड लग रहे हैं आप भाई। आप इसका हाल यही है कि जिसने आपको ब्रेकअप किया, ठीक है, अब वो अगले बंदे से जिससे सेट हो रही है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती यार, वो मुझे नहीं छोड़ सकती यार। आगे अपलोड नेट पे कर दिया अल्लाह के बंदे, यार मेरे वाली मुझे अपलोड होएगी भाई, ये हमारा ब्लॉगर है। अच्छा, चल ब्लॉगर। हां जी, तो यार भाई क्या है, भाई का इंट्रोडक्शन करें। हां, अब आप बताएं जरा अब भाई नहीं आ रहा कुछ भी, कि भाई ने मेरे बारे गलत बातें की हैं, भाई को ना बोला नहीं जा रहा। ठीक है, अब नहीं नहीं आप सही हैं अपनी जगह पे। अब आप पे जो बीती है वही आप बता रहे हैं। अब भाई यहां पे ना प्रॉब्लम का बात है, आप मोहब्बत करें, ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसे, और जब तक जब पैसे खत्म मोहब्बत खत्म। यू आर राइट ब्रो, जो इन्होंने बात की है बहुत अच्छी बात है, कि भाई जब तक पैसा है मोहब्बत चलेगी, जब तक पैसा खत्म तो मोहब्बत खत्म। यार मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरी मोहब्बत अभी भी चल रही है यार। ये क्या फिर लॉजिक, क्योंकि दूसरी तरफ से पैसा खत्म नहीं ना हुआ, मोहब्बत भी चल रही है। अभी मोहब्बत चल रही है ना, उसको क्लैरिटी नहीं पहुंची उसके तक, उसके तक क्लैरिटी पहुंच गई ना, पीछे से क्या है। नहीं नहीं नहीं, उसे सब पता है, वो सच्ची मोहब्बत भी होती है ना। सच्ची यार, पांचों उंगलियां बराबर नाम क्या है? ये हमारे ऑफिस के काम चेक करें, लड़कियों में ये चना चाट ले रहा है, लड़कियों वाले काम कर रहे हैं। और आप रश देख सकते हैं यहाँ पे, कितना रश है यहाँ पे, खाने पीने की लड़कियों की चीजें ही मिलेंगी आपको, और इस वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा रश है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।